अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे का आगाज़ मैं अपना सूरह बकरा लगाती हूँ सबसे पहले। रोज़ ही ये तो हमारे घर की रूटीन है, कभी सूरह बकरा, कभी सूरह रहमान, मंजिल, इस तरह मैं सूरतें लगाती हूँ और अपने दिन का आगाज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने सारा घर साफ़ किया अच्छे तरीके से और फिर सारे काम करके अब मैं बैठने लगी हूँ यहाँ पर सूरह काहफ़ की तलावत करने के लिए। तो सूरह काहफ़ की तलावत हमें जुमे के दिन लाजमी करनी चाहिए। सूरह काहफ़ की तलावत के साथ साथ दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और इसके अलावा जो रोज़ के आपकी तस्बीहात होती हैं वो भी पढ़नी चाहिए। तो जुमे का दिन बहुत मुबारक दिन है और अल्लाह ताला हम सबको अपनी इबादतों को अच्छे तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबको आफात से दूर रखे। और ये कुरान पाक जी मेरे चचा ने मुझे गिफ्ट किया है, बहुत प्यारा है, इससे कुरान पाक पढ़ने का बहुत मज़ा आता है और इतनी प्यारा तोहफ़ा आपको हर कोई नहीं देता और इसमें उनकी बहुत सारा प्यार और दुआएँ शामिल हैं। और अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनका अच्छा जी। इजाफा थोड़ी बेटा आवाज़ इसकी कम करें। अब हम लोग, मैं आपको बड़ा ज़बरदस्ती एक चीज़ दिखाने लगी हूँ, मुझे गिफ्ट रिसीव हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट है, आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। फिर इंशाल्लाह इसके रिव्यूज़ भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी जल्दी। तो ये गिफ्ट मुझे कहाँ से रिसीव हुआ है, ये गिफ्ट मुझे रिसीव हुआ है दानीन ब्यूटी की तरफ से और इनकी प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी हैं और ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है। तो हम इंशाल्लाह आपके साथ इसके रिव्यूज़ में शेयर करूँगी और आप लोग भी ज़रूर बाय करें। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स तो हम जल्दी से बाय कर लेते हैं लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये दिखाती हूँ कि मुझे इसका है ये जी एक्नी पिम्पल्स फेस वॉश। तो ये फेस वॉश है जी एक्नी और पिंपल्स के लिए, जिन लोगों को एक्नी या पिंपल हो जाते हैं उनके लिए ये फेस वॉश है और इसको इस्तेमाल करें आप, बड़ा अच्छा है। मैं भी इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करूँगी और इस पे ये भी लिखा हुआ है स्कार्स, एक्नी एंड स्कार्स। तो जिन लोगों को दाने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं और उसके बाद उसके निशान रह जाते हैं और नहीं जाते किसी भी चीज़ से, तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है फेस वॉश है। और पीछे सारी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। इसकी प्राइस यहाँ पर मेंशन नहीं है, नेट वेट इसका मेंशन हुआ हुआ है कि 100 ml है। तो इंशाल्लाह जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी और जल्द ही यूज़ करूँगी और आपके साथ इसके रिव्यूज़ में शेयर करूँगी। हाँ, एक चीज़ मैंने जो है वो यूज़ की है, तकरीबन मुझे 2 दिन हुए हैं इसको रिसीव हुए हुए पैकेज को, तो मैंने ये यूज़ किया है एंटी पोल्यूशन फेस वॉश। ये इतना ज़बरदस्त है और इसको यूज़ करके ना मुझे एक फ़ायदा हुआ है क्योंकि मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा ऑयली और किचन में आजकल आपको पता है मौसम इतना गंदा हुआ हुआ है, बहुत हब्स है, पसीना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ हुआ है किचन में। हम औरतों का तो समझे आधा दिन किचन में ही गुजरता है, तो मुझे पसीना बहुत आता है और फिर उसके बाद हम लोग कभी पसीने को किसी दुपट्टे से साफ़ कर रहे होते हैं, कभी किसी टॉवल से साफ़ कर रहे होते हैं, कसकस के मुंह को साफ़ कर रहे होते हैं, तो नहीं करना चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरी ऑयली स्किन है, तो मैंने ना एक दो बार ये दिन में, आई थिंक कल मैंने यूज़ किया सिर्फ इसको और मैंने ये किया एंटी पोल्यूशन फेस वॉश। ये इतना अच्छा है कि एक तो बार बार मुझे इससे पसीना नहीं आया जबकि मैंने कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम कुछ भी नहीं अप्लाई किया था फेस पे, लेकिन ये बहुत अच्छा है। मैंने इसको तकरीबन दिन में 2 दफ़ा यूज़ किया है, ये बहुत अच्छा है। इससे ना मुझे ख़ुद फील हुआ है कि ये बहुत ज़बरदस्त है। ये भी मैं और आगे मज़ीद जब इसको यूज़ करूँगी आपके साथ ज़रूर रिव्यू शेयर करूँगी क्योंकि मुझे एक पैकेज रिसीव हुआ है और मेरा ज़रूर आपके साथ मैं इसके रिज़ल्ट जो हैं जो मुझे मिले हैं मैं आपके साथ इस शेयर करूँगी। लेकिन ये बहुत अच्छा है, एंटी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसकी प्राइस मुझे मेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं लिखी हुई है और ना ही मुझे पता है इनकी प्राइजेस क्या है, लेकिन अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आप गूगल पर सर्च करके इसको बाय कर सकते हैं, दराज पर भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये है जी सन ब्लॉक, ये सन ब्लॉक है।
तो ज़रूरी नहीं है सनब्लॉक हम बाहर जा रहे हैं तो ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो ख़वातीन चूल्हे के आगे काम करती हैं या उनका बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है चूल्हे के आगे या आम रूटीन में कभी उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो सनब्लॉक तो ये है ना कि ज़्यादातर हम सोचते हैं जो रोज़ बाहर निकलेगा वो यूज़ करें। नहीं, हम लोग भी कर सकते हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये सनब्लॉक है, इंशाल्लाह ये भी यूज़ करेंगे, ये भी आपको बताएंगे। और ये क्रीम सबसे अच्छी लग रही है मुझे, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैंने इस तरह की क्रीम कभी भी यूज़ नहीं की है और फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं कोई इसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना फेस वॉश में यूज़ कर रही थी एंटी पोल्यूशन, इसकी क्वालिटी इनकी प्रोडक्ट्स की ना मैं आपको बताती हूँ क्या है। इनकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं है। जैसे आर्टिफिशियल एक स्मेल सी होती है कॉस्मेटिक में आती है, वो इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें वो चीज़ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये जो क्रीम है ये भी मैं यूज़ करूँगी, अंडर आई ट्रीटमेंट है, रिमूव डार्क सर्कल्स एंड आई बैग्स। जिन लोगों को डार्क सर्कल्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करके, बहुत ज़्यादा जाग जाग के, लेट सोने से लेट उठने से, कोई टाइमिंग नहीं होती सोने उठने की, और उसके बाद नीचे से आपकी आंखें सूज जाती हैं, पफी आइज़ हो जाती हैं आपकी, बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं, तो उसके लिए भी ये क्रीम बहुत अच्छी है। यहाँ सब कुछ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, इस पर भी कोई भी वो नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, कोई प्राइस नहीं मेंशन हुई हुई है, और उन्होंने बल्कि वार्निंग लिखी हुई है कि अगर आपको इससे कोई रैश होता है, इरिटेशन होती है, हर चीज़ के पीछे उन्होंने लिखा हुआ है, तो आप बेशक इसको इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो ये भी मैं इंशाल्लाह इसको यूज़ करूँगी, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस भी हैं इसकी। और ये देखें जी, ये है जी इसकी क्रीम, ठीक है, इंशाल्लाह हर चीज़ इस्तेमाल करने के बाद ना इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत माइल्ड स्मेल है इन प्रोडक्ट्स की ना, खुशबू बहुत माइल्ड है, वो बिल्कुल जी ऐसे तेज़ सी स्मेल नहीं है कि आर्टिफिशियल सी हो जो हमारी स्किन को भी डैमेज कर दे, नहीं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर है जी विटामिन सी रेडिएंट क्रीम फॉर यंगर स्किन, इसको बच्चियाँ भी यूज़ कर सकती हैं, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चियाँ भी यूज़ कर सकती हैं। विटामिन सी की क्रीम है, और विटामिन सी के तो आप फ़ायदे जानते हैं कि जूस वगैरह पीना एक अलग चीज़ है, लेकिन और विटामिन सी की तो बहुत सारी जो क्रीम्स हैं ना वो मार्केट में आई हुई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की, बहुत सारे डॉक्टर्स की, तो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वाली क्रीम यहाँ पर ये है जी रेडिएंट क्रीम और फॉर यंगर स्किन। और विटामिन सी बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए, अगर आप जूस के तौर पर लेते हैं, कोई किन्नू का जूस लेते हैं, कोई लेमन अपनी जूस वगैरह में डाल के लेते हैं, वो इतना अच्छा है, और ये लगाने के लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, इन सारी प्रोडक्ट्स की एक बात है कि आप ये देखें कि इसकी भी मैं खुशबू चेक करके आपको बताती हूँ कि इसके अंदर कितनी खुशबू है, और पैकिंग भी मैं आपके सामने सब कुछ खोल रही हूँ, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, खट्टी खट्टी लेमन जैसी इसकी खुशबू है, लेकिन यकीन करें वो वाली खुशबूएं नहीं है जो बस जिनको यूज़ करने से ना, मुझे मेरा अपना नज़रिया है, मैं बाकियों का मुझे नहीं पता कि अगर हम बहुत ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ यूज़ करते हैं तो यकीनन स्किन को डैमेज करती है, बहुत माइल्ड सी स्मेल है। और मुझे तो ये इसके रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बाकी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी आफ्टर 1 वीक, आपको मैं इसका और इसका रिज़ल्ट मैं आपको बताऊँगी कि मुझे क्या फ़र्क पड़ा है। इसको मैं यूज़ करूँगी और साथ शायद मैं हमना को भी यूज़ करवाऊँ, क्योंकि वो भी स्कूल जाती है, उसकी स्किन पर बहुत बुरा हाल है, लेकिन फिर भी मैं किसी से पूछ के ये उसको यूज़ करवाऊँगी। यंगर स्किन तो इस पे लिखा है, लेकिन फिर भी मैं पहले उसको टेस्ट करूँगी, अगर उसको सूट की तो मैं ये यूज़ करवाऊँगी, लेकिन इसके रिव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ, इसका और इसका मैं आपको दूंगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इसके साथ भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इसकी प्रोडक्ट्स अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं, मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूँगी, मैंशन कर दूँगी इसी वीडियो में,
तो आप ये देखिएगा कि इसकी और भी जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, मुझे ये रिसीव हुई हैं, आप प्राइजेस भी वहाँ से निकाल सकते हैं। और कितने का है ये, एक फेस वॉश किस तरह है, ये किस तरह है, क्या रेट है इनके, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं अपनी जितनी भी रिव्यूज़ हैं इन प्रोडक्ट्स को लेके आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने एक और बड़ी ज़बरदस्ती वीडियो आपके लिए सोचा है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, स्किन केयर के लिए जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ की हैं और मुझे उनसे जो फ़ायदे हुए हैं, और हेयर केयर के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने लिया है या जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने बाय की हैं अभी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, वो इसलिए कि मुझे जो इश्यूज़ थे अपने बालों को लेकर और स्किन को लेकर, उनको तकरीबन मैं उन चीज़ों को 1 महीना इस्तेमाल करके आपके साथ उसके रिव्यूज़ शेयर करूँ। मेरा यही ख्याल है कि मैं अपने रिव्यूज़ के साथ उन प्रोडक्ट्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँ। तो यहाँ पर आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोगों ने ये प्रोडक्ट्स बाय की हैं या नहीं की हैं, शेयर कीजिएगा। लेकिन मैंने आपको रिकमेंड करूँगी, इंशाल्लाह आफ्टर 15 डेज़ आपको मैं इन प्रोडक्ट्स के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक और वीडियो में मैं आपके साथ मेंशन कर दूँगी कि मेरा कैसा रहा इन प्रोडक्ट्स के साथ रिव्यू, और आप लोग अपनी स्किन का क्या ख्याल करते हैं, क्या होम रेमेडीज़ करते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं, और हेयर ऑयल जो मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को बताया था, उसके मुझे बहुत पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स आया था, बहुत सबको सूट किया था। तो उस तरह के 3-4 हेयर ऑयल मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भी बहुत सारी स्किन की और हेयर के ट्रीटमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत सिंपल से वो चीज़ें जो मैं करती हूँ या जितना मुझे आता है, बहुत ज़्यादा जो बजट में रह के आप कर सकते हैं वो चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।